मेरे भाई के बच्चे नहीं थे, उसने गोद ले रखा था अमित चौक, उसने 18x18 की बेच दी सारी, इसमें कन्ना बिलाकड़ा ये बहादुरगढ़ का या वो है तहसीलदार, 10 लाख रुपये लेके नकली रजिस्ट्री करी, नकली कागजात दे करी रजिस्ट्री, इसको उम्र कैद हो, एक इसके ऊपर और 420 का केस चल रहा हाई कोर्ट में। हाँ जी अंकल, आपका नाम बताइए। मेरा नाम अशोक चुग। अच्छा, कल आपने शिकायत दर्ज करवाई, किस संदर्भ में करवाई? हाँ जी, मन है ना, हमारी दुकान है पुरानी, मेरे फादर की, हरकिशन लाल एंड संस फर्म का नाम, उसमें मेरी खरीदी हुई 3x18 और मेरे को फादर ने जो वसीयत करी 12x18, टोटल थी मेरी 15x18, और वो मेरे भाई के बच्चे नहीं थे, उसने गोद ले रखा था अमित चौक, उसने 18x18 की बेच दी सारी, और उसके संदर्भ में मैंने आर्यनगर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई है, और कनब लाकड़ा ने वो हाउस टैक्स पे रजिस्ट्री करी है, 10 लाख रुपये लिए उसने 2020 में, कनब लाकड़ा ये बहादुरगढ़ का या वो है तहसीलदार जिसने रजिस्ट्री करी, हाँ 10 लाख रुपये लेके नकली रजिस्ट्री करी, नकली कागजात दे करी रजिस्ट्री, वो कागज भी नकली हैं जिससे उसने रजिस्ट्री करी, क्योंकि हाउस टैक्स से मलकियत का सबूत नहीं होता, और उसने हाउस टैक्स की ट्रांसफ़र की हुई, हाउस टैक्स पर ट्रांसफ़र की हुई मलकियत पर रजिस्ट्री कर दी, 10 लाख रुपये फीस ले ली और रजिस्ट्री कर दी, सबसे बड़ा जुर्मदार तो वो है, और फिर यो है अमित चुग जुर्मदार जिसने मेरी जायदाद को हड़प लिया और बेच दिया। आप क्या चाहते हैं सरकार? क्या चाहते हो? मैं सरकार से चाहता हूँ कि इसको उम्र कैद हो, हैं, और मेरी दुकान मेरे को वापस मिले, और जब वापसी नहीं मिले इसको 145 की कार्रवाई करके सील कर दिया जाए। ये जो आप अमित चुग बता रहे हो, हाँ, ये आपका सौतेला बेटा बताया आपने? ये मेरे भाई का गोद लिया लड़का। अच्छा, उसका उसके ऊपर आपने आरोप लगाया, उसका चरित्र कैसा है? वो शराबी है, करेक्टर डाउन भी है, एक इसके ऊपर और 420 का केस चल रहा हाई कोर्ट में। अच्छा। वो है मेरी चेक का 87,000 का, मेरी वाइफ का चेक आया था बॉम्बे से कमीशन का, वो ये चोरी करके ले गया, और इसने अपनी माँ के नाम खाता खोल दिया सुषमा एंटरप्राइज, जो मेरी वाइफ का नाम सुषमा है, हमारी फर्म है सुषमा एंटरप्राइज मेरी वाइफ की, वो इसने नकली खोल के OBC बैंक में वो कटवा लिए पैसे, चल रहे 420 का।